अमिताभ बच्चन के बर्थडे पर नहीं होगा धूम धड़ाका, दिल को छू लेने वाली वजह बताई अमिताभ बच्चन ने। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का बर्थडे देश भर में किसी त्योहार से कम नहीं होता। शुक्रवार को अमिताभ बच्चन 77 साल को होने वाले हैं और उनके बर्थडे पर धूम धड़ाका न करने का ऐलान उनके फैंस के लिए उदासी भरा हो सकता है। जी हाँ, ये सच है कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन अपने बर्थडे को धूम धड़ाके से मनाने का कोई इरादा नहीं रखते। उन्होंने अपने फैंस से अपने अच्छी हेल्थ की प्रार्थना करने के लिए विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि इसमें जश्न मनाने जैसा क्या है, ये भी एक नॉर्मल दिन की तरह है। मैं आभारी हूँ कि मैं अभी भी काम कर रहा हूँ और मेरा शरीर मेरी आत्मा के साथ तालमेल बिठाए रखने में सक्षम है। अपने आने वाले बर्थडे को लेकर बिग बी ने अपने पुराने दिनों को याद किया, जब उनके पापा और लेट कवि हरिवंश राय बच्चन उनके बर्थडे पर उनके लिए एक कविता लिखते थे और सुनाते थे। पुराने दिनों को याद करते हुए बिग बी ने कहा, ये परिवार की एक परंपरा थी, लेकिन इस परंपरा को नई परिभाषा तब मिली जब 1984 में मेरे साथ हुई जानलेवा दुर्घटना के बाद मेरे पापा ने मेरे जन्मदिन पर कविता सुनाई थी। वो मेरे लिए एक नई जिंदगी पाने जैसा था। कविता पढ़ने के दौरान मेरे पिता टूट से गए थे। ऐसा पहली बार था जब मैंने उन्हें इस तरह टूटते हुए देखा था। बिग बी ने कहा कि समय के साथ बहुत सी चीजें बदल गई हैं और जन्मदिन की रस्में भी। उन्होंने कहा, मैं अपने पापा की कविता को बहुत याद करता हूँ और उस दिन जिस तरह मेरी माँ उत्साहित थी उसकी भी याद आती है। अब हर साल केक काटने के रिवाज में मुझे दिलचस्पी नहीं रही, इसकी जगह सूखे मेवे की प्लेट ने ले ली है। उनसे उनके अधूरे सपनों के बारे में पूछे जाने पर बिग बी ने बताया, कई सारे हैं। मैं पियानो बजाना चाहता हूँ, मैं कई लैंग्वेजेस सीखना चाहता हूँ, मैं गुरुदत्त के साथ काम करना चाहता था। वहीं उनसे पूछे जाने पर कि ऐसी कौन सी उनकी फिल्म है जिसका वो रीमेक बनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा, कोई भी नहीं। जो फिल्में बन चुकी हैं उसे फिर से बनाने जैसा क्या है, उसके आगे क्यों नहीं सोचा जा सकता। फिल्म गुलाबों सिताबों में उनके को एक्टर आयुष्मान खुराना ने हाल ही में उन्हें लेकर कहा था, वो 24 साल के यंग की सोच रखने वाले 77 साल के व्यक्ति हैं।